अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डीएनए क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, इसको हम देखेंगे। ठीक है, पहले मैंने सारे आपको बेसिक्स पढ़ाए थे, वो इसीलिए ताकि चीज़ें सारी कवर हो जाए, वो बेसिक्स सारे कवर हो जाए ताकि आप बार बार क्वेश्चन ना करते रहे। चले, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को देखने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हमारा जो डीएनए होता है वो लेंथ में इतना बड़ा होता है, लेंथ में बहुत बड़ा होता है, तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। 3 बिलियन बेस पेयर्स, बेस पेयर्स तो आपको पता है ना, बेस पेयर्स किसे कहते हैं? बेस पेयर्स यही होते हैं, मतलब आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस के जो बेस पेयर होते हैं, ये तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर ये लंबा होता है, लेंथ ही होता है आपका जो डीएनए होता है। लेकिन लेकिन आपको पता है डीएनए होता कहाँ पर है? सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन डीएनए 3 बिलियन बेस पेयर है। तो हमने इस डीएनए को कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज करना है, इसको कुछ इस तरह कंडेंस करना है कि ये इस छोटी सी स्पेस में न्यूक्लियस में आके फिट आ जाए। इसमें क्या आ जाए? फिट आ जाए। सो इसीलिए हम अपने डीएनए की क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कुछ इस वे, इन सच अ वे वी कैन फिट द न्यूक्लियस, पैक्ड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स फिट इन द स्मॉल स्पेस, स्मॉल स्पेस ऑफ न्यूक्लियस, और ये फिट भी हो जाए और स्टिल फंक्शनल भी रहे, इसके फंक्शन में भी कोई डिस्टर्बेंस ना। ठीक है, ये मैंने बताया कि हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं। अब छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रोमेटिन एंड व्हाट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स, कि ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मेरी स्पीड ठीक है ना, तेज तो नहीं है? चलें जी, क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन होता है कि आपका डीएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों जब मिलते हैं तो आपका क्या बन जाता है? क्रोमेटिन बन जाता है। और ये क्रोमेटिन कहाँ पे होता है? आपके आपके न्यूक्लियस में होता है। और ये क्रोमेटिन डीएनए प्लस प्रोटीन ये कैसे मिलते हैं, ये भी हम नीचे डिटेल में देखते हैं। अभी जस्ट बिलीव मी दैट कि क्रोमेटिन इज मेडअप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, इस चीज का बना होता है। फिर आपका ये क्रोमेटिन और प्रोटीन, ये जो आपका डीएनए, सॉरी डीएनए प्लस प्रोटीन है, ये होगा कंडेंस। क्या होगा? कंडेंस होगा। क्या होगा? कंडेंस। और कंडेंस हो गया, ये क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम्स आपके जो सेल डिवीजन हो रही होती है, कौन सी? सेल डिवीजन। उस वक्त आपको जो चीज दिखाई देती है धागेदार स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। हम कहते हैं ना कि हमारा जो डीएनए मटेरियल होता है इज ऑनली विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, कि ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान विजिबल होता है, तो ये वो क्रोमोसोम्स होता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स इज नथिंग एल्स, इट इज अ क्रोमेटिन, बट क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, सो यही जब क्रोमेटिन करता है, कंडेंस होता है, अब इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम जब देखें, देखिए मेरी बात सुने, एक धागा है, ब्रिक्स है, बिल्कुल ब्रिक्स है, दैट इज कॉल्ड, लेट्स ये धागा है, ब्रिक्स है, लेट्स सपोज दैट इट्स अ क्रोमेटिन। अब ये धागा कंडेंस होगा, इसको डबल कर दे, फिर इसको, मतलब ये इतना था, इसको डबल करेंगे तो इसकी लेंथ तो कम हो जाएगी लेकिन मोटा हो जाएगा। मजीद इसको डबल करें, मजीद इस तरह मोटा हो जाएगा, मजीद डबल करें, तो एक वक्त आएगा ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और लेंथ में बहुत कम हो जाएगा। तो अब जब ये मोटा हो जाएगा, ये वाला धागा विजिबल होगा या जो ब्रिक वाला था वो वाला विजिबल होगा? ऑफ कोर्स जो धागा मोटा होगा वो वाला विजिबल होगा। तो यही होता है कि आपका क्रोमेटिन थिन होता है, फिर वो कंडेंस होते होते मोटा हो जाता है और क्रोमोसोम्स बन जाता है, और इसीलिए आपकी सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स आपको क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। ठीक है, आई होप सो दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है। अब ये कंडेंसेशन बेसिकली होती कैसे, अब हमने ये देखना है। ठीक है, पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं? पहले हम ऊपर देखते हैं कि ये जो आपका क्रोमेटिन है, मैंने कहा डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, ये पहले देखते हैं कि डीएनए और प्रोटीन का किस तरह बना होता है, फिर इसमें कंडेंसेशन किस तरह होती है, वो फिर सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, चलें जी। न्यूक्लियोसोम, एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसोम। अब जो आपका न्यूक्लियोसोम होता है, बेसिकली न्यूक्लियोसोम जो है ना, आपका क्रोमेटिन का सब यूनिट है, क्रोमेटिन का सब यूनिट। जिस तरह आपके न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए बनाते हैं, इसी तरह आपके न्यूक्लियोसोम्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन बनाते हैं। सो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है। अब जो न्यूक्लियोसोम होता है, ये दो चीजों से बनकर बड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह डीएनए प्लस प्रोटीन,
डीएनए प्लस प्रोटीन, क्योंकि क्योंकि न्यूक्लियोसोम कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियोसोम एक क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन का सब यूनिट है, तो क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, तो आपका न्यूक्लियोसोम भी डीएनए और प्रोटीन का। लेकिन यहां पर एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन होती है, उन प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन ऑक्टमर। क्या नाम है उनका? हिस्टोन ऑक्टमर। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टमर होता है, इसके बारे में पहले देख ले। अब ये जो हिस्टोन, फिर डीएनए को देखेंगे, पहले हिस्टोन ऑक्टमर या फिर इस प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टमर होता है, ऑक्टमर से जाहिर है ये 8 प्रोटीन्स पर मोस्ट में होता है, H2A, ये हिस्टोन टू प्रोटीन ए, H2B, H3A एंड H3 एंड H4, 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। अब हर प्रोटीन्स की 2 कॉपी होती है, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तो कितनी हिस्टोन प्रोटीन्स होगी? 8, 2, 4, 6, 8, 2 H2O हो गई, 2 H2B हो गई, 2 H3 हो गई, 2 H4 हो गई, तो टोटल कितनी प्रोटीन्स हो गई? 8 प्रोटीन्स हो गई। अब ये 8 प्रोटीन्स आपस में क्या, अब ये जो 8 प्रोटीन्स होती हैं, ये कुछ इस तरह लगी हुई होती है, किस तरह भला? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये 8 प्रोटीन्स इस तरह लगी हुई होती हैं। अब इन्हीं 8 प्रोटीन के पास अमाइनो एसिड होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड? आर्जिनिन, कौन से? आर्जिनिन प्लस लाइसिन, आर्जिनिन प्लस लाइसिन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपका जो हिस्टोन ऑक्टमर होता है, हिस्टोन ऑक्टमर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स पर मोस्ट में होता है, H2A, H2B, H3 एंड H4, और हर एक की दो दो कॉपीज होती हैं, टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। अब इन हिस्टोन प्रोटीन्स के पास अमीनो एसिड जो रिच होते हैं वो कौन से होते हैं? आर्जिनिन एंड लाइसिन। अब आर्जिनिन एंड लाइसिन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्योंकि आपके हिस्टोन ऑक्टमर जो है ना, आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड से रिच होते हैं, तो आपका जो ऑक्टमर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। सो नो आई होप सो दैट कि आपको हिस्टोन ऑक्टमर समझ आ गया होगा कि हिस्टोन ऑक्टमर क्या होता है। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है और ये लाइसिन और आर्जिनिन से रिच होता है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब दूसरा हमारे पास क्या है? डीएनए। अब डीएनए की बात करते हैं। अब जो आपका डीएनए होता है, आपको पता है हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड में कि ये डीएनए का शुगर, ये नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस और नंबर 5 पे फास्फेट होता है। अब इसी फास्फेट की वजह से आपका जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और आपके हिस्टोन ऑक्टमर के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से डीएनए ऐसे आएगा और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इसको ऐसे लिपेट लेगा, ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस तरह लिपट जाएंगे। तो इस तरह आपका एक मुकम्मल क्या बन गया? ये न्यूक्लियोसोम बन गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्या, कि आपके डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और आपके हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन मिल जाते हैं, तो आपका क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसोम बन जाता है। तो ये था आपका न्यूक्लियोसोम, जो कि डीएनए और प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है। और जो ये न्यूक्लियोसाइड बना है, इसका डायमीटर होता है तकरीबन 10 नैनोमीटर। इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, मतलब इसका डायमीटर कितना हो गया? 10 नैनोमीटर। सो एक न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना हो गया? 10 नैनोमीटर हो गया। अच्छा जी, यहां तक आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक और चीज, वो क्या होती है? अभी हमने कहा कि हिस्टोन ऑक्टोमर के पास H2A, H2B, H3 एंड H4, हर एक की दो दो कॉपीज, हर एक की दो दो कॉपीज, यानी टोटल टोटल 8 8 प्रोटीन्स होती है आपके पास। लेकिन यहां पर एक और प्रोटीन भी होती है, वो कौन सी होती है? H1, हिस्टोन H1 होता है। अब H1 का काम क्या है? H1 का काम यह है कि आपके ये न्यूक्लियस, देखिए ये एक न्यूक्लियोसोम तो नहीं, ये एक न्यूक्लियोसोम बनेगा इस तरह, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ेंगे, आपस में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। ये किसके जरिए कनेक्ट होंगे? H1 के जरिए। अब देखिए, आप किसी चीज को, कोई गठड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो गंदम की या किसी भी चीज की बड़ी सी गठड़ी बनाते हैं, तो उस गठड़ी को फिर आप गांठ देते हैं, लेकिन गांठ देने के बाद आप उसमें एक लकड़ी सी रखते हैं, ताकि वो जो उसकी गांठ है वो जरा हल्की सी ना पड़ जाए, लूज ना हो जाए, तो आप वहां पर एक लकड़ी टाइप रखते हैं ताकि उसकी गांठ कस के आ जाए। ये वो क्या होता है? H1 क्या होता है?
कि ये आया आपका डीएनए हिस्टोन के ऊपर लिपटा, फिर यहाँ पर एच वन लग गया। अब एच वन इस गांठ को मजबूत कर देगा कि ये जो है ना ये खुले ना, ठीक है। अब ये दोबारा, फिर दोबारा और फिर इधर, फिर एच वन, फिर दोबारा, फिर दोबारा इस तरह एच वन, फिर दोबारा इस तरह एच वन, ताकि ये लूज ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह देखिए आपने ये जो आपका बहुत से न्यूक्लियोसोम आपस में मिल गए, एक दो तीन चार, इसी तरह न्यूक्लियोसोम बहुत से आपस में मिल जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन देखें, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे एक स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स लगे हो, एक स्ट्रिंग के ऊपर जैसे ये बीड्स लगे हो, उस तरह की अपीयरेंस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड यूर क्रोमेटिन। इसको हम क्या कहते होते हैं, क्रोमेटिन कहते होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो एच वन है, जो एच वन है ये इसको मतलब थोड़ा सा पैकिंग को जो है ना मजबूत कर रहा है, पैकिंग को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन अगर आपका एच वन ना हो, एच वन ना हो, तो क्या ये पैकिंग मजबूत होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ढीली ढीली सी होगी, ये ढीली सी, ये भी ढीली सी, ये भी ढीली सी, ये कसी हुई यहाँ पर नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर एच वन नहीं है, सॉरी, ये कसी हुई नहीं होंगी। जब ये कसी हुई नहीं होगी तो यहाँ पर बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पर एच वन लगा होता है, क्या लगा होता है, एच वन लगा हुआ है, यहाँ पर एच वन लगा हुआ है, तो ये इसकी पैकिंग बहुत सख्त है, जकड़ी हुई है, पैकिंग आपस में जकड़ी हुई है। जब कोई चीज जकड़ी हुई है आपस में, साथ साथ मिली हुई है, बिल्कुल ही साथ, यहाँ पर तो डिस्टेंस दिखा रहा है, दिखा है, लेकिन नहीं, डिस्टेंस नहीं होता। जब साथ साथ मिली हुई है, बिल्कुल ही जकड़ी हुई है, तो क्या इनमें से कोई ऐसा चीज है खुली जहां से कोई चीज अंदर आ सके? नहीं। तो आपके जो एंडोन्यूक्लियेज इंजाइम होते हैं, कौन से एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, या फिर आपके जितने भी न्यूक्लियेज इंजाइम होते हैं, वो इसमें से नहीं पास कर सकते। कौन से न्यूक्लियेज, जो न्यूक्लियेज इंजाइम होते हैं वो यहां से अंदर अंदर नहीं आ सकते। जब न्यूक्लियेज इंजाइम अंदर नहीं आ सकते तो न्यूक्लियेज इंजाइम क्या काम करते हैं, न्यूक्लियेज इंजाइम आपके डीएनए की डिग्रेडेशन करते होते हैं। क्या करते होते हैं, डिग्रेडेशन करते होते हैं। जब एच वन है, एच वन है तो पैकिंग बहुत सख्त है, पैकिंग बहुत सख्त है, तो क्या यहां से न्यूक्लियेज इंजाइम अंदर इंटर हो सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब न्यूक्लियस एंजाइम अंदर इंटर नहीं होंगे तो क्या डिग्रेडेशन होगी? नहीं, डिग्रेडेशन नहीं होगी। अब मैं कहता हूं मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, क्या मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, मैंने जो है ना एच वन रिमूव कर दिया विदाउट एच वन, अब डीएनए क्या हो जाएगा, रिलैक्स, अब ये कसा हुआ नहीं है, पैकिंग सख्त नहीं है। जब पैकिंग सख्त नहीं है तो मतलब बीच में रास्ता है, तो न्यूक्लियस एंजाइम इजीली आएंगे, इन रास्तों से अंदर दाखिल होंगे और आपके डीएनए को डिग्रेड कर सकते। तो H1 का मकसद क्या होता है कि पैकिंग को सख्त करना, रिलैक्स ना होने देना, उसको टाइट करना, ताकि न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को डिग्रेड ना कर सके, उसके ऊपर एक्ट ना कर सके। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि विदाउट एच वन डीएनए कैन बी डिग्रेडेड बाई न्यूक्लियस एंजाइम्स, बट विद एच वन डीएनए कैनॉट बी डिग्रेडेड बाई न्यूक्लियस एंजाइम, बिकॉज न्यूक्लियस एंजाइम कैनॉट एक्ट ऑन द डीएनए व्हेन एच वन इज प्रेजेंट। ओके, आई होप सो दैट कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमेटिन के अंदर ये H1 proteins क्या होता है। ये देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बल्कि यहाँ पर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस डायग्राम से। क्या है डायग्राम में, डायग्राम में ये है कि ये देखें, ये आपकी बीच वाली, ये स्टोन की 8 प्रोटीन्स है, ठीक है। और ये देखिए ऊपर से ये H1 आपका लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ, ये वाला H1, ये वाला H1 हिस्टोन लिंकर, जो कि इन न्यूक्लियोसोम को आपस में क्या करता है, लिंक करता है, इनको जोड़ता है, इनको टाइट करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम। जब ये न्यूक्लियोसोम आपस में मिल जाते हैं, नाउ इट इज, जब ये न्यूक्लियोसोम आपस में मिल जाते हैं, अब इनको कहते हैं हम क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन बन गया है, चले जी, अब यहाँ जरा रीडिंग कर लेते हैं इसी क्रोमेटिन की। DNA exists in the condensed chromatin form to fit into the nucleus. क्यों? DNA लंबा होता है, 3 billion base pair का, हमने उसको nucleus की small space में fit करना है, तो उसके लिए हमें उसको condense करना पड़ेगा। DNA loops twice around a histone octamer to form a nucleosome. ये nucleosome के बारे में बता रहा है कि ये nucleosome इस तरह कैसे बनता है, ठीक है, कैसे उसके ऊपर वो करता है, wrap करता है। Beads on a string, एक string के ऊपर beads की तरह दिखाई देता है। H1 binds to the nucleosome and to the linker DNA, thereby stabilizing the chromatin
फाइबर वही बात है, इसको कस के रखता है यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये लूज ना पड़ जाए। फास्फेट ग्रुप्स गिव्स डीएनए नेगेटिव चार्ज, लाइसिन एंड आर्जिनिन गिव हिस्टोन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज। डीएनए पे नेगेटिव, हिस्टोन कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव, तो ये इस तरह आपस में रैप कर जाता है, ठीक है। इन माइटोसिस, इन माइटोसिस डीएनए कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ऑफ कोर्स अब माइटोसिस के दौरान तो आपका जो क्रोमेटिन होता है, आपका जो डीएनए होता है, कंडेंस करके क्रोमोसोम्स बन जाता है और ये विजिबल होने लगता है। डीएनए एंड हिस्टोन सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग एस फेज। याद है मैंने कहा था कि सेल डिवीजन के दो फेज होते हैं, सेल डिवीजन के दो फेज होते हैं। कौन कौन से? इसका पहला फेज होता है इंटरफेज और दूसरा माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज में मजीद तीन फेज थे, जी वन फेज, एस फेज एंड जी टू फेज। तो आपके जो डीएनए की जो डुप्लीकेशन होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, या फिर आपके हिस्टोन की सिंथेसिस जो होती है, ये कहाँ पे होती है? एस फेज के दौरान होती है, ठीक है। इनकी सिंथेसिस उस फेज में होती है, ठीक है। सिंपल सी बात थी, वैसे मैंने कहा कि बता दूं आपको। मेरी स्पीड तेज तो नहीं है? सर गुड। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना भी डीएनए होता है, विच इज सर्कुलर एंड डजंट यूटिलाइज हिस्टोन्स। उसका अपना भी डीएनए होता है लेकिन उसमें हिस्टोन्स नहीं होते, जिस तरह दूसरे आपके न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए होता है उसके जो हिस्टोन्स होते हैं, उसमें हिस्टोन्स नहीं होते। सो आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम के बाद क्रोमेटिन क्या होता है, ठीक है, और क्रोमेटिन क्या होता है। मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स 8 प्रोटीन H1 का काम क्या होता है, H1 के बिना आपका डीएनए डिग्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड, अब देखते हैं हम टाइप्स, क्रोमेटिन की टाइप्स। अब क्रोमेटिन की दो टाइप्स होती हैं, हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। दोनों को पढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहली चीज, जो आपका हेटरोक्रोमेटिन होता है, इट इज दी कंडेंस्ड फॉर्म, मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। मतलब क्रोमेटिन बना, ठीक है, अब क्रोमेटिन होगा कंडेंस, क्या होगा? कंडेंस। चले इससे पहले ऊपर मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ आपको, इससे पहले हेड इसकी टाइप से पहले ऊपर एक चीज देख ले कि आपका डीएनए जब ये 10 नैनोमीटर था, जब ये न्यूक्लियोसोम बना, ये एक न्यूक्लियोसोम, इसका साइज था 10 नैनोमीटर। अब इसी आपके न्यूक्लियोसोम के ऊपर जब H1 लगेगा, इधर इधर इधर, तो इसका साइज मजीद कम होगा, 30 नैनोमीटर हो जाएगा। ये उसकी कंडेंसेशन हो रही है, फिर ये मजीद कंडेंस होगा और इसका साइज मजीद क्या हो जाएगा? 300 नैनोमीटर। फिर ये मजीद कंडेंस होगा, इसका साइज फिर हो जाएगा 1400, 700 और 1400, 1400 और 700 नैनोमीटर हो जाएगा। मतलब इसका साइज मजीद कम हो गया, ये मजीद कंडेंस हो गया। तो इस तरह आपका डीएनए क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्या बन जाता है? 1400 या 700 के ऊपर ये बन जाता है आपका क्रोमोसोम, फुल्ली ये कंडेंस हो चुका होता है। मतलब आप देख रहे होंगे कि इधर तो 10 नैनोमीटर है, इधर 700 नैनोमीटर, साइज तो बढ़ रहा है। सर जी आप कह रहे हैं कि इनका डायमीटर कम हो रहा है। यस, डायमीटर कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये नैनोमीटर है, नैनो मतलब 10⁻⁹, माइनस में जितना बढ़ेगा उतना कम होता है। तो यही बात है कि आपका ये पहले 10 नैनोमीटर था, फिर 30, फिर 300, फिर 700 एंड 1400 तक ये कंडेंस हो जाता है। तो इस तरह आपका क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बन जाता है? क्रोमोसोम्स बन जाता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि व्हाट इज क्रोमेटिन एंड हाउ क्रोमेटिन इज गोइंग टू बी कंडेंस इनटू क्रोमोसोम एंड व्हाई वी आर गोइंग टू कंडेंस द डीएनए, कि हम उसको कंडेंस क्यों करते हैं। सारी चीजें आपको समझ आ गई, समझ आ गई है कि नहीं? चले जी, गुड, वेरी गुड। अब देखते हैं हेटरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, दो टाइप्स हैं। अब हमने कहा कि हेटरोक्रोमेटिन इज द मोर कंडेंस्ड फॉर्म एंड यूक्रोमेटिन इज द लेस कंडेंस्ड फॉर्म। अभी हमने कहा 10 नैनोमीटर, 30, 300 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर। सो सबसे ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म कौन सी है? 700 एंड 1400, ये मोर कंडेंस्ड फॉर्म है। 700 एंड 1400 ये मोर कंडेंस्ड फॉर्म है। तो क्रोमेटिन की वो वाली फॉर्म जो 700 नैनोमीटर या फिर 1400 नैनोमीटर उसका साइज होगा, दैट विल बी कॉल्ड द हेटरोक्रोमेटिन, ये मोर कंडेंस्ड है। और यूक्रोमेटिन दैट विल बी द लेस कंडेंस्ड, 10 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, ये ज्यादा कंडेंस्ड नहीं है। तो ये आपकी क्या होगी? यूक्रोमेटिन। अगली चीज वो कहते हैं हेटरोक्रोमेटिन अपीयर्स डार्कर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखिए मेरी बात सुने,
जो चीज फर्ज कर एक बंदा है, ये सॉलिड है, कंडेंस है ना, सॉलिड टाइप है, कंडेंस फॉर्म है, अगर इसके ऊपर यहां से सूरज पड़ता है, सूरज की लाइट पड़ती है, तो जब इसके ऊपर सूरज की लाइट पड़ेगी पीछे क्या बनेगा इसका, साया, शेडो बनेगा इसका, क्या बनेगा, शेडो। और शेडो किस तरह का होता है, डार्क होता है, स्याह तरह का होता है, मतलब जो चीज कंडेंस होगी उसका पीछे क्या बनेगा, शेडो बनेगा, और जो चीज कंडेंस नहीं होगी, सॉलिड नहीं होगी, उसका शेडो नहीं बनेगा। भला कैसे ये इस सूरत में कैसे होता है, ये आपका फर्ज करें, ये आपका सेल है, ठीक है, सेल में आपका हेटरोक्रोमेटिन पड़ा था, कंडेंस फॉर्म पड़ी थी, मतलब ये बहुत ज्यादा कंडेंस है, सॉलिड फॉर्म में पड़ा हुआ है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यहां पर इलेक्ट्रॉन की बीम इसके ऊपर डालेंगे, तो क्या इसका पीछे शेडो बनेगा, जो स्क्रीन होगी यहां पर जिसके ऊपर हम इसका मुआयना कर रहे होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन जाके स्क्रीन पे पड़ेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके इन हेटरोक्रोमेटिन या प्रोक्रोमेटिन के इस टाइप का क्या बनेगा, शेडो बनेगा, वहां पर साया बन जाएगा। तो इसीलिए आपके जो हेटरोक्रोमेटिन होते हैं, क्योंकि ये कंडेंस होते हैं, तो इनका जो साया होता है, या पेयर्स डार्कर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्क्रीन होती है वहां पर ये डार्क शो हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आपके यूक्रोमेटिन की, तो यूक्रोमेटिन के दरमियान तो स्पेस होती है, वो कंडेंस नहीं होते, तो यहां से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की लाइट पड़ेगी और वो बीच में से गुजर जाएगी, तो यहां पर कोई साया बनेगा नहीं, यहां पर कोई साया बनेगा नहीं, बल्कि यहां पर क्या होगा, अपीयर्स डार्कर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा कि क्योंकि आपका हेटरोक्रोमेटिन कंडेंस होता है, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बीम गुजरती है तो वो क्या हो जाती है, कंडेंस से जब गुजरती है तो वो उनका स्क्रीन के ऊपर डार्क अपीयर होता है, और ये क्या अपीयर होता है, लाइट अपीयर होता है। अच्छा जी, अब यहां पर देखें, इसमें देखें, ये देखें, ये देखें, ये डार्कर अपेयरेंस है, तो ये कौन सा क्रोमेटन होगा, हेटरोक्रोमेटन, ये भी हेटरोक्रोमेटन, हेटरोक्रोमेटन, ये हेटरोक्रोमेटन, हेटरोक्रोमेटन, ये सारा हेटरोक्रोमेटन पड़ा हुआ है। लेकिन ये वाला, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला, ये जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये वाला लाइटर, तो ये लाइटर, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, इसके ऊपर कोई शेडो नहीं पड़ रहा, इसके ऊपर सीधी स्क्रीन के ऊपर लाइट पड़ रही है, तो ये लाइटर यूक्रोमेटन है, ठीक है। अब अगली चीज, अगली चीज, अगली चीज आप मुझे खुद बताएंगे। देखें, स्टेरिकली इनएक्सेसिबल, स्टेरिकली इनएक्सेसिबल, इसका क्या मतलब है, वो कहता है कि आपका जो हेटरोक्रोमेटन है ये बहुत कंडेंस फॉर्म में है, बहुत कंडेंस फॉर्म में है, क्रोमेटन आपस में ऐसे कंडेंस किया हुआ है, पैक किया हुआ है, सही तरह से जकड़ा हुआ है, जब ये बहुत सही तरह से जकड़ा हुआ है, बंदे आपस में टाइट बैठे हुए हैं, तो क्या इनके दरमियान में कोई स्पेस फ्री है, नहीं, जब इनके दरमियान में कोई स्पेस फ्री नहीं है तो क्या इस स्पेस में से एंजाइम्स अंदर इंटर हो सकेंगे, नो। अब मैं किस तरफ मूव कर रहा हूं, मैं ट्रांसक्रिप्शन की तरफ मूव कर रहा हूं, किसकी तरफ, ट्रांसक्रिप्शन। जब किसी डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, क्रोमेटिन की, क्रोमोसोम्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए की, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए उसके ऊपर एंजाइम्स का एक्ट करना जरूरी है, कौन से एंजाइम्स का, ट्रांसक्रिप्शनली एंजाइम, एंजाइम, क्या यहां से ट्रांसक्रिप्शनल एंजाइम एक्सेस कर सकते हैं, यहां से क्या वो यहां से एक्सेस करके अंदर जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये स्टेरिकली इनएक्सेसिबल है, ये फंक्शन स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह की है, ये इनएक्सेसिबल है कि यहां से चीजें अंदर इंटर नहीं हो सकती, जब इंजाइम्स यहां से अंदर इंटर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इंजाइम स्टेरिकली इनएक्सेसिबल है, अंदर इंटर नहीं हो सकते, तो क्या इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, नहीं, जब ट्रांसक्रिप्शन इंजाइम्स ही अंदर नहीं जा रहे तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। लेकिन अगर हम बात करें हेटरोक्रोमेटन की, किसकी, हेटरोक्रोमेटन की, तो हेटरोक्रोमेटन तो उनके दरमियान में तो क्या होता है, वो तो रिलैक्स होते हैं, उनके दरमियान में स्पेस होती है, जब उनके दरमियान में स्पेस होती है तो इंजाइम्स वहां पर क्या होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, जब यहां से ट्रांसक्रिप्शन इंजाइम्स आएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन इंजाइम्स यहां से इजिली अंदर एक्सेस कर जाएंगे, डीएनए के पास जाके उसके ऊपर बैठ जाएंगे और इसकी क्या कर देंगे, ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो जो यूक्रोमेटिन होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, और हेटरोक्रोमेटिन जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, और इनएक्टिव किस तरह होते हैं, क्योंकि ये स्टेरिकली इनएक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोजली कंडेंस होते हैं और इंजाइम्स यहाँ से अंदर इंटर नहीं हो सकते, बल्कि यहाँ से इंजाइम इजिली एक्सेसिबल होते हैं और इजिली अंदर चले जाते हैं, तो इसीलिए ये एक्टिव होते हैं और हेटरोक्रोमेटिन इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, समझ आ गई ये बात कि नहीं, रिपीट करने की जरूरत है, नहीं, चले गुड हो गया। अब आप दो देखें, वो कहता है स्टेरिकली इनएक्सेसिबल, दस ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, स्टेरिकली एक्सेसिबल होते हैं। अब एक चीज देख लें यहां पर, क्या एक फार्मूला याद कर लें आप, वो कहता है देखें,
एम एच, बल्कि ये नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब अगली चीज देखें, यहां तक समझ आ गया है कि हेटरोक्रोमेटिन कंडेंस होते हैं, अ पेयर डार्कन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्टेरिकली इनएक्सेसिबल, दस ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये लेस कंडेंस होते हैं, अ पेयर लाइट ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड स्टेरिकली एक्सेसिबल। अब अगली चीज वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि मिथाइलेशन करने से, मिथाइलेशन होती है कि आप मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कहता है मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो आपका क्रोमोसोम क्या बन जाएगा, हेटरोक्रोमेटिन, और एसिटाइलेशन करेंगे तो आपका हेटरोक्रोमेटिन कम पड़ जाएगा। क्या मतलब, मतलब ये है कि आपका ये क्रोमेटिन था, ये आपका क्रोमेटिन मटेरियल था, इसमें आपने मिथाइल ग्रुप ऐड किया, जब मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो आपका ये वाला क्रोमेटिन मजीद कंडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब देखिए मजीद कंडेंस हो गया है और ये बन जाएगा हेटरोक्रोमेटिन, तो इसकी हेटरोक्रोमेटिन इंक्रीज होगी, हेटरोक्रोमेटिन इंक्रीज होगी, मिथाइलेशन से हेटरोक्रोमेटिन इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वो कहते हैं एसिटाइलेशन करते हैं, आप एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं, एसिटाइल ग्रुप, तो ये रिलैक्स हो जाएगा, मजीद रिलैक्स हो जाएगा, मजीद रिलैक्स हो जाएगा, इससे आपकी हेटरोक्रोमेटिन कम यानी लेस कंडेंस हो जाएगा, यानी हेटरोक्रोमेटिन बढ़ जाएगा। खैर इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे जाके, अभी बस इतना आप देख लें कि मिथाइलेशन करने से आपका हेटरोक्रोमेटिन बन जाता है और एसिटाइलेशन करने से हेटरोक्रोमेटिन कम पड़ जाता है, बल्कि यूक्रोमेटिन बढ़ जाता है, ठीक है। इसको मैं आगे डिटेल में बताता हूँ, पहले यहाँ पे आ जाए। बार बार डिज इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम मे बी विजिबल ऑन पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये बार बार डिज क्या होती है पता है आपको, मैं बताता हूँ बार बार डिज क्या होती है। बार बार डिज ये होती है, आपको पता है फीमेल्स के दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने, दो क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन आपको पता है फीमेल्स के दो एक्स क्रोमोसोम्स में से हमेशा एक क्रोमोसोम उसका इनएक्टिव होता है, एक क्रोमोसोम क्या होता है, इनएक्टिव, और एक ही उसका क्रोमोसोम क्या होता है, एक्टिव होता है, दूसरा क्रोमोसोम बिल्कुल क्या होता है, इनएक्टिव होता है, एक क्रोमोसोम उसका एक्टिव होता है। ये जो एक एक क्रोम, अब देखें वो दो क्रोमोसोम लेती है, एक वो बाबा से, फादर से, एक मदर से। अब ये लक पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम जो है ना इनएक्टिव हो गया है और कौन सा क्रोमोसोम क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। अगर वो फादर वाला क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया तो कहते हैं कि बच्ची अपनी माँ पे गई है, और अगर मदर वाला क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया और फादर वाला एक्टिव है तो फिर कहते हैं बच्ची अपने बाप पे गई है। तो ठीक है, तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्टिव, एक क्या होता है, इनएक्टिव। तो जो क्रोमोसोम एक्टिव होता है, जो क्रोमोसोम एक्टिव, सॉरी, जो इनएक्टिव होता है वो क्रोमोसोम इनएक्टिव क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो हेटरोक्रोमेटिन हो जाता है, वो वाला क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, एक क्रोमोसोम हो जाता है कंडेंस, तो कंडेंस होने से क्रोमोसोम हमेशा क्या होता है, इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो बार बार डिज क्या होती है कि फीमेल्स के दो एक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम उसका हमेशा क्या होता है, इनएक्टिव, और ये नॉर्मल कंडीशन होती है, ये क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। तो आई होप सो दैट आपको हेटरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, हम मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन की बात कर रहे थे कि ये क्या होती है। अब मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन इस तरफ मूव करते हैं, देखिए एक टर्म यूज होती है जिसका नाम, अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया कि आपका जो ये हेटरोक्रोमेटन होता है इसमें क्या होता है, बार बॉडीज होती है, लेकिन आपका जो है यूक्रोमेटन होता है इसमें सेल की एपोप्टोसिस होती है, क्या होती है, एपोप्टोसिस, कि सेल अगर बार बॉडीज होंगी तो हम कहेंगे हेटरोक्रोमेटन है, और अगर कहेंगे कि सेल एपोप्टोसिस पर जा रहा है तो मतलब वो सेल की कौन सी कंडीशन होगी, यूक्रोमेटन वाली कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन होगी, यूक्रोमेटन वाली। एपोप्टोसिस क्यों है, क्योंकि उसमें से चीजें इजीली एक्सेस कर सकती हैं और उसकी जाके डेथ कर देती हैं। देखें देखें अगर वो हेटरोक्रोमेटन है, कंप्लीटली पैक है, मुकम्मल तौर पर पैक है, तो क्या इसमें से न्यूक्लियेज इंजाइम या फिर कोई भी तोड़ फोड़ वाला इंजाइम इंटर हो सकेगा, कोई भी इंजाइम नहीं, जब कोई भी इंजाइम या कोई भी चीज इंटर नहीं होगी तो एपोप्टोसिस हो सकती है, नहीं। लेकिन इन केस ऑफ यूक्रोमेटन ये एक्सेसिबल होता है, इंजाइम एक्सेसिबल, कोई भी चीज यहाँ से एपोप्टोसिस की चीजें यहाँ से इंटर हो सकती हैं और इजी एक्सेस करके इसकी क्या कर देती है, एपोप्टोसिस कर देती है। तो हेटरोक्रोमेटन इनएक्टिव करता है बार बार डिज के जरिए, और यूक्रोमेटन में आपकी एपोप्टोसिस होती है, ठीक है। आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं कि मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन क्या होती है और इनका इसके साथ रोल क्या होता है कि ये आपकी हेटरोक्रोमेटन और यूक्रोमेटन इसका रोल क्या होता है। अब डीएनए मिथाइलेशन पढ़ने से पहले एक टर्म हम पढ़ते हैं जिसका नाम होता है एपिजेनेटिक्स, क्या,
एपिजेनेटिक्स। मेरी स्पीड ठीक है ना? चलें, क्योंकि मैं कभी कभी निकल जाता हूँ आगे जरा। अब एपिजेनेटिक्स क्या होती है? एपिजेनेटिक्स, अब देखें, अब ये पूरा एक डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन्स लगे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे। अब आप चाहते हैं कि इनमें से इस वाले जीन की, जीन वन का एक्सप्रेशन बढ़ जाए और इस वाले जीन का एक्सप्रेशन कम हो जाए, इसका कम हो जाए, इसका बढ़ जाए। मतलब आप किसी भी जीन का एक्सप्रेशन बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें यह करना पड़ता है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस लगी होती है, यानी यहाँ पर एडनीन है, गुआनीन है, साइटोसिन है, थायमिन है, तो हमें इनका सिक्वेंस चेंज करना पड़ता है कि एडनीन को यहाँ पे लगाओ, थायमिन को यहाँ पे लगाओ, इनका सिक्वेंस में चेंजमेंट्स लेके आओ तो जो जीन का एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। या तो जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा या जीन का एक्सप्रेशन कम पड़ जाएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर हम किसी जीन का एक्सप्रेशन चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इन बेसिस का सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। इन बेसिस का सीक्वेंस चेंज करने से, इनको आगे पीछे करने से आपके जो जीन का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। या तो जीन ज्यादा सप्रेस होगा, सॉरी, या तो ज्यादा एक्सप्रेस होगा या फिर ज्यादा सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एपिजेनेटिक्स क्या है? एपिजेनेटिक्स कहती है कि आप जो है ना, ये जीन का एक्सप्रेशन तो चेंज करें, जीन का एक्सप्रेशन चेंज करें, या तो वो ज्यादा एक्सप्रेस हो या फिर ज्यादा सप्रेस हो, लेकिन लेकिन उसका ये सीक्वेंस चेंज ना करें। वो कहता है विदाउट चेंजिंग द सीक्वेंस वी कैन चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, दिस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, दिस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। और ये किस चीज मदद से होता है? डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन, हिस्टोन एसिटाइलेशन, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन। मतलब ये प्रोसेस एसिटाइलेशन के जरिए होता है। तो आई होप सो दैट कि आपको एपिजेनेटिक्स समझ आ गया होगा कि आपने क्या करना है, जीन के एक्सप्रेशन में चेंजमेंट लेके आके चेंजमेंट लेके आनी है विद आउट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर आप उसको जो बेसिस का वो होता है, चेंजेस द एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनए सेगमेंट, यानी जीन, विद आउट चेंजिंग द सीक्वेंस। अच्छा, अब डीएनए मिथाइलेशन कैसे होती है, इसमें हम एपिजेनेटिक्स कैसे करते होते हैं, एपिजेनेटिक्स कैसे करते होते हैं? वो कहते हैं आपने क्या करना है, डीएनए है, ये आपका न्यूक्लियोसोम है, ये आपका हिस्टोन ऑक्टोमर, ये आपका डीएनए। वो कहते हैं डीएनए की मिथाइलेशन कर दे, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे। वो कहते हैं जब आप डीएनए की मिथाइलेशन करते हैं तो आपका डीएनए क्या बन जाता है, हेटरोक्रोमेटन। क्या बन जाता है? हेटरोक्रोमेटन। मतलब आपका डीएनए क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडेंस। सिंपल सी बात कर रहा है कि जब आप डीएनए की मिथाइलेशन करते हैं, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, तो मिथाइल ग्रुप करने से आपका डीएनए क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने का मतलब आपका डीएनए क्या हो जाता है, हेटरोक्रोमेटन बन जाता है, ठीक है। तो हेटरोक्रोमेटन बन जाता है मतलब क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव। देखिए, मैं सिंपल सी बात करना चाह रहा हूं कि जब आप मिथाइलेशन करेंगे तो आपका MH हो जाएगा, मिथाइलेशन करने से हेटरोक्रोमेटन बन जाएगा। हेटरोक्रोमेटन का मतलब वो ज्यादा कंडेंस हो गया है। क्या हो गया है? कंडेंस। और अगर कंडेंस हुआ है तो मतलब वो क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया। ये चार बातें आपने याद रखनी है कि डीएनए की मिथाइलेशन करने से हेटरोक्रोमेटन मतलब कंडेंस मतलब वो क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया। समझ आ गया डीएनए मिथाइलेशन है कि डीएनए मिथाइलेशन से कैसे डीएनए क्या होता है, वो कंडेंस हो जाता है। ये अभी हमने ऊपर कहा था कि मिथाइलेशन से हेटरोक्रोमेटन बढ़ जाता है, मतलब डीएनए क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये न्यूक्लियोसोम था, ये ऑक्टोमर था हिस्टोन, और ये डीएनए था, ये क्या था, डीएनए। अब हमने कहा कि हम डीएनए की क्या कर रहे हैं, मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, लेट्स सपोज दैट ये डीएनए है और ये डीएनए का ये वाला जीन है, ये वाला भी जीन है, लेकिन हम इस जीन की एपिजेनेटिक्स करना चाहते हैं, मतलब इसका एक्सप्रेशन चेंज करना चाहते हैं, लेकिन क्या चेंज करके, इसका क्या चेंज करके, इसमें डीएनए ऐड करके। इसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना चाहते न्यूक्लियोटाइड्स का और ना ही नाइट्रोजनस बेसिस का, बल्कि हम इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करके इसका सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं। तो ये यूएसएमएल की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मिथाइलेशन विद इन जीन प्रोमोटर साइट। तो मिथाइलेशन कहां पे करते हैं, ये जरा रिंग बज जाए, बस है। तो मिथाइलेशन हम कहां पे करते हैं कि इस जीन से पहले एक साइट होती है, एक जगह होती है, उस जगह का नाम है जीन प्रमोटर साइट,
और उस साइट का नाम है CPGI Lines। तो इस जगह पे हम CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, यहां पर उसकी मिथाइलेशन करेंगे, तो फिर आपका जीन क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसकी मिथाइलेशन होगी, वो हेट्रोक्रोमेटिन बनेगा, वो कंडेंस हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिथाइलेशन भी हम एक प्रॉपर साइट के ऊपर करेंगे, वो साइट का नाम क्या है, CPGI Line, दैट इज अ जीन प्रमोटर साइट। ठीक है, समझ आ गई है, अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखें जरा, अच्छा यहां तक कर लेती, वो कहता है इन्वॉल्व विद एजिंग, कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जब आप बूढ़े होते हैं, आपके सेल्स बूढ़े होते हैं, तो आपके जो डीएनए होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन होता जाता है, क्या होता जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन, क्यों, क्योंकि उसकी मिथाइलेशन होती जाती है, क्यों, क्योंकि वो कंडेंस हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिव हो रहा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका डीएनए इनएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि वो कंडेंस हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि उसकी मिथाइलेशन हो रही होती है, क्यों, क्योंकि मिथाइलेशन से वो हेट्रोक्रोमेटिन बन रहा होता है एज के साथ साथ। इसी तरह कार्सिनोजेनेसिस, जब आपको कैंसर होता है तो आपके जो सेल्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो प्रॉपरली रेस्पॉन्स नहीं करते चीजों को, उनकी मिथाइलेशन हो जाती है, तो उससे आपको क्या हो जाती है, कार्सिनोजेनेसिस। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भी और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट रिप्रेशन भी, यहां पर भी आपके रिप्रेस, इसमें मतलब क्या होते हैं आपके डीएनए मिथाइलेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अभी अभी हमने देखा कि बार बॉडीज में एक एक्स क्रोमोसोम जो है ना इनएक्टिव हो जाता है, वो वहां पर उसकी कंडेंसेशन हो जाती है, वो हेट्रोक्रोमेटिन बन जाता है। डीएनए इज मिथाइलेटेड इन इम्प्रिंटिंग मिथाइलेशन विद इन जीन प्रोमोटर CPGI लाइन टिपिकली रिप्रेस साइलेंसेस, ये वही चीज है। ठीक है, तो आपने याद क्या रखना है डीएनए मिथाइलेशन में, बल्कि अभी नीचे वाला मिथाइलेशन देख लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। तो डीएनए मिथाइलेशन समझ आ गया कि आपने डीएनए की क्या की, मिथाइलेशन की, कौन सी साइड पर, सीपीजी साइड पर, आईलैंड पर, तो इससे आपका डीएनए क्या हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन यानी कंडेंस इनएक्टिव हो गया। ठीक है, और यहां पर आपने उनके नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस चेंज नहीं किया, विद और सीक्वेंस चेंज किया, आपने न्यूक्लियोटाइड की एक्सप्रेशन में चेंजमेंट लाई है। देखिए आप मिथाइलेशन करने से वो क्या हो रहा है, उसकी एक्सप्रेशन कम हो रही है, डीएनए सप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, सप्रेस, इनएक्टिव हो रहा है, मतलब उसकी सप्रेशन कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, कि आपने उसकी सीक्वेंस भी चेंज नहीं किया फिर भी वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया। ठीक है, अगला है हिस्टोन मिथाइलेशन। अब हिस्टोन मिथाइलेशन में क्या है कि देखिए, ये हिस्टोन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है आपका डीएनए, उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ने आपस में एक दूसरे को जकड़ा हुआ था। अब मुझे बताएं कि जो हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ये किसकी वजह से होता है, आर्जिनिन एंड लाइसिन की वजह से, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अब जब हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, तो मिथाइल ग्रुप, आप इतना देख लें कि जब आप हिस्टोन की, इसकी मिथाइलेशन करते हैं तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये मजीद क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, इनएक्टिव। बस आप सिंपली इतना याद रखें, सिंपल चीज याद रखें कि मिथाइलेशन भले हिस्टोन की हो रही हो या मिथाइलेशन डीएनए की हो रही हो, मिथाइलेशन से आपका क्रोमेटिन क्रोमोसोम क्या बन जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन, यानी वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस मतलब वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है, क्या याद रखना है आपने, कि हिस्टोन मिथाइलेशन हो या फिर डीएनए मिथाइलेशन हो, आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन बन जाएगा क्रोमोसोम, यानी कंडेंस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। सिंपल सा फार्मूला याद कर लें, ठीक है, यही चीज आप याद कर लें, आई होप सो दैट आपको समझ, फिर ये नहीं भूलेगा। यूजली कॉजेज रिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्शनल सप्रेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन में तब्दील हो जाएगा मिथाइलेशन से, इससे आपकी कंडेंसेशन हो जाएगी और ये इनएक्टिव हो जाएगा। बट कैन ऑल्सो कॉज एक्टिवेशन डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, लेकिन कभी कभी मिथाइल ग्रुप की लोकेशन की बिना पर ये कभी कभी उसको एक्टिवेट भी कर देता है। मिथाइलेशन से क्या होती है, सप्रेशन होती है, इनएक्टिवेशन होती है, लेकिन वो कहता है कभी कभी इनएक्टिव भी कर देता है। जैसे अभी लोकेशन इसकी क्या थी, सीपीजी, जीन प्रमोटर साइट, इस साइट पे होगा तो इसकी क्या करेगा, ये इनएक्टिव बनाएगा। लेकिन कुछ साइट ऐसी हैं जहां पर अगर मिथाइल ग्रुप ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मिथाइलेशन समझ आ गई है। Yes, sir. तो एक चीज देख लें,
के मिथाइलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हेटरोक्रोमेटिन के, यानी मिथाइलेशन करेंगे तो आपके आपकी हेटरोक्रोमेटिन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मिथाइलेशन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके यूक्रोमेटिन के, मतलब मिथाइलेशन करेंगे तो यूक्रोमेटिन कम पड़ जाएगी और मिथाइलेशन करेंगे तो हेटरोक्रोमेटिन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल चीज आप याद कर लें। ठीक है, अब आगे देखें, अब हमारे पास है हिस्टोन एसिटाइलेशन, हिस्टोन एसिटाइलेशन। अब हिस्टोन एसिटाइलेशन क्या होती है, हिस्टोन, अब ये देखें, ये आपका हिस्टोन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये उसके ऊपर डीएनए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिले हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये मुखालिफ चार्जेस है। अब आपके हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, आर्जिनिन और लाइसिन की वजह से, आर्जिनिन और लाइसिन की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होती है दोनों, ये रिच होता है आपका हिस्टोन आर्जिनिन और लाइसिन में, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। अब इसके ऊपर एसिटाइल ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एसिटाइल ग्रुप। जब एसिटाइल ग्रुप आप इस आर्जिनिन और लाइसिन के ऊपर ऐड करेंगे तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो ऑक्युपाई हो जाएगा, वो तो ऑक्युपाई, तो अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम नहीं हो जाएगा। देखें, पहले चार फ्री आपके आर्जिनिन और लाइसिन थे, तो इसका चार्ज पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव 4 था, अब हमने दो एसिटाइल ऐड कर दिए, तो दो एसिटाइल इसके साथ आके मिल गए, बाकी पॉजिटिव चार्ज कितना बचेगा, 2, पहले कितना था 4, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम, तो पॉजिटिव चार्ज जब कम होगा, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्या इनका इंटरेक्शन अभी भी उतना ही स्ट्रांग होगा जितना पहले था पॉजिटिव और नेगेटिव का, नहीं, अब तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि पहले 4 नेगेटिव थे 4 पॉजिटिव थे, तो इनका इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग था, अब 4 नेगेटिव हैं लेकिन पॉजिटिव कितने हो गए हैं, 2, तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा इनका, कम, तो आपका जो डीएनए की जो ये पैकिंग है वो थोड़ी लूज हो जाएगी, ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलैक्स, तो इस तरह आपका यूक्रोमेटिन, आपका डीएनए क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, यूक्रोमेटिन बन जाएगा, और जब यूक्रोमेटिन बनेगा तो उनके दरमियान में स्पेस बढ़ जाएगी ना, तो यहां से ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम इजीली आ सकेंगे और ट्रांसक्रिप्शन कर सकेंगे, तो इस तरह यहां पर आपकी ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगी। तो अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन बढ़ानी हो तो आप उस डीएनए की क्या करेंगे, एसिटाइलेशन, ताकि वो डीएनए यूक्रोमेटिन बन जाए, और यूक्रोमेटिन बनने के बाद वो एंजाइम एक्सेसिबल बन जाए, और वहां पर इजीली क्या हो सके, ट्रांसक्रिप्शन हो सके, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाए। तो हिस्टोन एसिटाइलेशन करने से, हिस्टोन की एसिटाइलेशन करने से क्या बनता है, रिमूवल ऑफ हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज, जब हम उसमें एसिटाइल ऐड करेंगे तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम पड़ जाएगा, आपका डीएनए क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्वाइलिंग आपकी कम पड़ जाएगी, और ट्रांसक्रिप्शनली वो क्या हो जाएगा, एक्टिव, मतलब वो आपका यूक्रोमेटिन बन जाएगा। हिस्टोन एसिटाइलेशन मेक्स डीएनए एक्टिव। तो फिर चीज रिपीट कर रहा हूं, मिथाइलेशन से क्या हो रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हेटरोक्रोमेटिन के, वो क्या हो रहा था, इनएक्टिव, और मिथाइलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी यूक्रोमेटिन के। अब एसिटाइलेशन है, एसिटाइलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूक्रोमेटिन के, एसिटाइलेशन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यूक्रोमेटिन बन जाएगा, लेस कंडेंस हो जाएगा, और ये आपका एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और अगर एसिटाइलेशन करेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके हेटरोक्रोमेटिन के, मतलब अगर आप एसिटाइलेशन करेंगे तो उसकी हेटरोक्रोमेटिन कम पड़ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई ये बात, चलें जी, वेरी गुड, आई होप सो दैट कि आपको हिस्टोन एसिटाइलेशन भी समझ आ गया होगा। आगे देखें, आगे मूव करें, या रिपीट करने की जरूरत है, चलें जी, आगे देखें, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन। अब देखें, ये हमने कहा हिस्टोन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज, ये उसके ऊपर न्यूक्लियस डीएनए नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव और 2 हमारे पास, सॉरी 4 हमारे पास कितने हैं, पॉजिटिव है। अब हमने क्या किया, इसका आर्जिनिन और लाइसिन के ऊपर हमने एसिटाइल ऐड कर दिए, कितने, 2, जब 2 ऐड कर लिए तो इसके 2 पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्युपाई हो गए, बाकी कितने पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, 2, अब इनके दरमियान इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, कम, डीएनए क्या हो जाएगा, रिलैक्स, क्रोमेटिन क्या बन जाएगा, हेटरोक्रोमेटिन, मतलब वो एक्टिव, सॉरी यूक्रोमेटिन, मतलब वो एक्टिव हो जाएगा। अब हम डीएसिटाइलेशन करते हैं, हमने जो एसिटाइल ग्रुप ऐड किया था उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम रिमूव, तो 2 बचे हुए थे, जो 2 ऑक्युपाई हुए थे वो भी फ्री हो गए, अब कितने हो जाएंगे, 4, अब इंटरेक्शन मजीद स्ट्रांग, मजीद क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, पैकिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रांग, तो अब मतलब पैकिंग स्ट्रांग हो गई है, मतलब अब क्या बन जाएगा, हेटरोक्रोमेटिन, मतलब कंडेंस फॉर्म, मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा आपका डीएनए, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो आपका जो डीएसिटाइलेशन है दैट इज सेम लाइक दैट मिथाइलेशन, दैट इज सेम लाइक दैट मिथाइलेशन। चले, इन तीन चीजों को मिला के मैं एक चीज लिखता हूं, इन तीनों को, वो कहता है मिथाइलेशन हो तो आपका ये मिथाइलेशन, देखें
कहते हैं आप एम एच याद रखें, एम एच मतलब मिथाइलेशन होगी तो डीएनए क्या हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटन। हेट्रोक्रोमेटन एच से हेट्रोक्रोमेटन, और एच से मतलब हेट्रोक्रोमेटन मतलब हाईली कंडेंस हो जाएगा, हाईली कंडेंस्ड हो जाएगा। हाईली जब कंडेंस्ड होगा तो वो एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा डॉक्टर जुबैर? जब हाईली कंडेंस होगा तब एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? ऑफ कोर्स इनएक्टिव होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यानी मिथाइलेशन जब भी होगी, वो डीएनए की मिथाइलेशन हो या फिर हिस्टोन की मिथाइलेशन हो, उससे आपका डीएनए मिथाइलेशन से आपका क्या हो जाएगा, हाईली कंडेंस। हाईली कंडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ये आपने एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात आपने याद रखना है एई, एई मतलब अगर एसिटाइलेशन हुई तो यूक्रोमेटन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूक्रोमेटन। और अगर ये हाईली कंडेंस है तो ये क्या होगा, लेस कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस कंडेंस। और जो लेस कंडेंस होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। वो क्या होता है, एक्टिव होता है। और जो डी एसिटाइलेशन है, डी एसिटाइलेशन इज सेम लाइक दैट मिथाइलेशन, मतलब इससे हेटरोक्रोमेटन बढ़ेगा, इससे हाईली कंडेंसेशन स्टेट बढ़ेगी, और इससे आपका क्रोमेटन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है, पक्की बात है? चले मैं इसको सिंपली सिंपली करके आपको बताता हूँ, सिंपली करके आपको बताता हूँ, एक और तरीके से बताता हूँ सिंपली इसकी। आई होप सो दैट समझ तो आ गई होगी सबको, लेकिन एक और तरीके से सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, आप याद कर लें कि मिथाइलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेट्रोक्रोमेटन, मिथाइलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यूक्रोमेटन। यानी मिथाइलेशन होगी तो हेट्रोक्रोमेटन बढ़ेगी, मिथाइलेशन बढ़ेगी तो यूक्रोमेटन कम पड़ेगा। एंड एसिटाइलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूक्रोमेटन, एसिटाइलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेट्रोक्रोमेटन, और डी एसिटाइलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेट्रोक्रोमेटन, डी एसिटाइलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूक्रोमेटन। यानी ये दोनों सेम होगी, ये दोनों क्या होंगी, सेम, और ये इसके उलट होगी। ठीक है, समझ आ गया? कोई चीज रहेगी तो बताएं, अब आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो बता दें मुझे। आगे समझ। ठीक है, तो मतलब मिथाइलेशन से आपका हेटरोक्रोमेटन बनेगा, वो मोर कंडेंस और इनएक्टिव हो जाएगा, और आपकी हिस्टोन एसिटाइलेशन से आपका वो क्या बनेगा, यूक्रोमेटन, एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। और हिस्टोन डी एसिटाइलेशन मिथाइलेशन की तरह के है, यानी इसमें इनएक्टिवेशन हो जाएगी। बाकी हेटरोक्रोमेटन और यूक्रोमेटन आपको समझ आ गया है कि ये मोर कंडेंस होते हैं, ये लेस कंडेंस होते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। क्यों ये इनएक्टिव, क्योंकि ये टोटली पैक्ड होते हैं, तो इनसे एंजाइम अंदर इंटर नहीं हो सकते, तो ये ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होती। और इसमें बार बॉडीज होती है, एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है वो कंडेंसेशन की वजह से, और इसमें एपोप्टोसिस होती है, क्योंकि यहाँ से एंजाइम अंदर इंटर हो सकते हैं। बाकी न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का हिस्टोन, हिस्टोन की 8 प्रोटीन होती है, ऑक्टोमर होता है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है लाइसिन और अर्जिनिन की वजह से, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डीएनए लिपटा हुआ होता है। और H1 का रोल मैंने बता दिया कि वो लिंकर होता है, वो इसको मजीद कंडेंस करता होता है। ठीक है, बाकी 30 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर एंड 1400 नैनोमीटर, इसका डायमीटर की हमने बात की थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यूक्रोमेटन होगा, लेस कंडेंस होगा, तो ये क्या होगा, इसका हेटरोक्रोमेटन होगा, मोर कंडेंस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो कोई सवाल हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी मैं देख लूँ कि आपकी कोई चीज़ रह ना गई हो यहाँ से। आई होप सो दैट कि आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं। है कोई क्वेश्चन? नहीं, चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल हम देखेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे हम, अगला लेक्चर अपना देखेंगे, ये हमारा हो गया था न्यूक्लियोटाइड्स, अगला लेक्चर हम देखेंगे प्यूरीन और पेरिमिडीन सिंथेसिस पाथवे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।